हाउ टू फिक्स मीडिया एनकोडर एरर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रीमा एसेंशियल। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप मीडिया एनकोडर के एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रीमियर प्रो को लिंक करते हैं मीडिया एनकोडर के साथ या फिर आफ्टर इफेक्ट्स को लिंक करते हैं तो आपको एक एरर शो होती है, लाइक अगर आपका जो मीडिया एनकोडर है वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आपने मीडिया एनकोडर इंस्टॉल किया हुआ है एंड वो ओपन भी है या फिर क्लोज भी है, लेकिन जो आपको प्रीमियर प्रो आपको शो कर रहा है, जो नोटिफिकेशन आपको शो हो रही है, एरर शो हो रही है, उस पर आपको ये शो हो रहा है कि आपका जो मीडिया एनकोडर है वो इंस्टॉल नहीं है, आप उसे दोबारा रीइंस्टॉल कीजिए। तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, उस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर को फिक्स करने के लिए 2 से 3 मेथड हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मेथड की, कि आप फर्स्ट मेथड से कैसे मीडिया एनकोडर की जो एरर आती है, आपको शो होती है, आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में से इंजेस्ट ऑन कर देता हूँ, लाइक मीडिया एनकोडर लिंक करते हैं हम इंजेस्ट से, तो आप सिंपली इसे ओके कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट प्रॉक्सीज कर देता हूँ, आपको यहाँ फिर यहीं पे शो हो जाता है कि जो आपका मीडिया एनकोडर है वो इंस्टॉल नहीं है, आप उसे रीइंस्टॉल कर लीजिए। मान लीजिए आपको यहीं पे अगर एरर शो हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए सिंपली आप अपने मीडिया एनकोडर को ओपन कर सकते हैं पहले ही। अभी तो आप मुझे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे में कोई एरर शो नहीं हो रहा, अगर आपके में हो रहा है तो सबसे पहले मैं अपना मीडिया एनकोडर रन कर लेता हूँ, उसे ओपन कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। अब आप देख सकते हैं मीडिया एनकोडर सिंपली ओपन हो चुका है। अब मैं अपनी इंजेस्ट सेटिंग को ऑन करूंगा, लाइक लिंक करूंगा अपने मीडिया एनकोडर को, तो मैं इस पर इंजेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जो फर्स्ट मेथड है वो यही है कि आप अपने मीडिया एनकोडर को पहले आप ओपन करके रखें, उसके बाद आप इंजेस्ट का यूज़ करें। जैसे आप इंजेस्ट क्रिएट करेंगे, प्रॉक्सीज क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको प्रीसेट सेलेक्ट करना है, आप प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। यहाँ पे मैं अपनी मान लीजिए कोई मीडिया फाइल लेके आता हूँ, उसे इंपोर्ट करता हूँ प्रीमियर प्रो में। तो जैसे मैंने अपनी वीडियो इंपोर्ट करी प्रीमियर प्रो में, आप देख सकते हैं मीडिया एनकोडर में रेंडरिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, एंड यहाँ पे आपको रेंडरिंग आपको शो हो रही है, जो आपकी प्रॉक्सीज है वो क्रिएट हो रही है। देन आप देख सकते हैं जो स्टेटस है वो डन हो चुका है। इसका मतलब है जो आपका मीडिया एनकोडर है वो आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको एरर शो होती है या फिर किसी और टाइप की एरर शो होती है, मान लीजिए आपने मीडिया एनकोडर पहले ओपन कर लिया है एंड देन उसके बाद आप क्रिएट प्रॉक्सीज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपली मैं रिकमेंड करूंगा जो सेकंड मेथड है उसके बारे में, कि आप अपने मीडिया एनकोडर को दोबारा रीइंस्टॉल करें। इससे आपका जो एरर है वो फिक्स हो सकता है। इसकी हेल्प से आप अपने एरर को फिक्स कर सकते हैं कि आप मीडिया एनकोडर को दोबारा रीइंस्टॉल करें अनइंस्टॉल करने के बाद। मीडिया एनकोडर इस टाइप के एरर तब शो करता है जब हमारा जो मीडिया एनकोडर है हम उसे कहीं और से डाउनलोड करते हैं, लाइक आप आउटसोर्स से डाउनलोड करते हैं, हम एडोबी की साइट से नहीं करते। मान लीजिए आप टोरेंट करते हैं या फिर क्रैक वर्जन अगर आप यूज़ करते हैं तो मीडिया एनकोडर इस टाइप के एरर कभी कभार शो करता है। परमानेंटली फिक्स करने के लिए आप मीडिया एनकोडर डाउनलोड कर सकते हैं एडोबी की साइट से, आप परचेस कर सकते हैं, इसका लाइसेंस परचेज कर सकते हैं, इसे ट्रायल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इससे भी अपने मीडिया एनकोडर के जो एरर है आप उसे फिक्स कर पाएंगे इजीली। सो अगर आज की वीडियो में हमने बात की कि आप मीडिया एनकोडर के एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं, सबसे पहले हमने बात की कि आप पहले अपने मीडिया एनकोडर को ओपन कर लें प्रॉक्सी क्रिएट करने से पहले, देन उसके बाद आप अपनी प्रॉक्सी क्रिएट करें, अपने प्रीसेट सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अपनी वीडियो या फिर ग्राफिक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में, एंड देन मीडिया एनकोडर प्रॉक्सीज क्रिएट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली मीडिया एनकोडर आपको स्टेटस भी शो करता है। सेकंड मेथड है कि आप अपने जो मीडिया एनकोडर है उसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, रीइंस्टॉल करें दोबारा से, तो इस टाइप से भी आपकी जो एरर है वो फिक्स हो सकती है। एंड जो थर्ड मेथड है वो परमानेंट है, आपको अगर परमानेंट चाहिए तो आप सिंपली एडोबी की साइट पर जाइए, आप ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं लाइसेंस, आप सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं। इसके हेल्प से भी आप अपने मीडिया एनकोडर के जो इशू है और जो एरर हैं जो आपको शो होते हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं। सो डेट्स फॉर इट गाइस आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, जिन जिनको ये एरर शो हो रहा है मीडिया एनकोडर के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। एंड आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इन मेथड से आपकी जो एरर है वो फिक्स हुई या फिर नहीं हुई। सो गुड बाय फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।